हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेल डिवीज़न मतलब तो तुम्हें पता है। तो सेल का डिवाइड कैसे होता है, वो सेल एक सेल हमें पता है कि सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है ना, वो एक सेल प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होता है उसी में से दो सेल बनते हैं, दो में से चार, ऐसे सेल का डिवीज़न होता है। तो सेल डिवीज़न करता है और क्यों करता है वो सब हमें सीखना है। सबसे पहले तो न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। अब ये न्यू सेल क्यों बनता है, न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो। सबसे पहले तो ग्रो करने के लिए, किसको, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। हमें पता है जैसे ह्यूमन बींग देख लो, सबसे पहले छोटा ह्यूमन बींग होता है, फिर बड़ा हो जाता है, ऐसे बड़ा होता है। तो ये एक सेल था, सेल डिवाइड हो के ऐसे बहुत सारे सेल हो जाते हैं, फिर वो बड़ा होता है। तो ग्रो करने के लिए भी सेल क्या करता है, सेल डिवीज़न करता है। क्या करता है, सेल डिवीज़न टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। कि कुछ सेल्स पुराने हो गए होते, मतलब ओल्ड हो गए होते, तो वो पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीज़न करता है। कुछ सेल डेड हो गए होते हैं तो उनका तो पूरा फंक्शन ही कम हो जाता है, तो उसकी जगह पर उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल नए सेल बनाता है। एंड इंजर्ड सेल जो है उसको भी रिप्लेस करने के लिए, मतलब जो भी काम फंक्शन कंप्लीट नहीं होता है उसको कंप्लीट करने के लिए भी सेल डिवीज़न करता है, और ग्रो करने के लिए भी डिवीज़न करता है। एंड लास्ट वन के एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, और गैमेट्स को बनाने के लिए, गैमेट्स किस लिए यूज़ होता है, तो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है, रिप्रोडक्शन में। ये गैमेट्स क्या है वो आगे फिर सीखेंगे, पर सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो सेल होता है, सेल एक सेल होता है समझो, उसके पास चार क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे सेल होता है उसके पास ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की दो पेयर होती है, एक्चुअली ये मैंने एक पेयर बताई है, पर टोटल उसके पास एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो मेल एंड फीमेल दोनों के सेल का फ्यूज़न होता है। क्या होता है, फ्यूज़न। तो वो 46 सेल्स होते हैं ना, उसमें से दोनों में एक मेल पेरेंट्स होता है और एक फीमेल पेरेंट्स होता है। मेल पेरेंट्स का जो सेल है वो 23 सेल का एक सेल बनाता है डिवाइड होके, और दूसरा फीमेल का वो भी 23। ये जो 23 सेल वाला जो सेल बनता है ना वो गैमेट होता है। जैसे मेल में वो स्पर्म होता है और फीमेल में वो ओव्यूम होता है, वो दोनों का फ्यूज़न होता है। तो फिर 23 करके टोटल 46 बन जाएंगे, वो नया ऑर्गेनिजम्स बनेगा, फिर उसमें से डिवाइड होकर दूसरे सेल बनेंगे। तो गैमेट्स भी फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो सेल क्यों डिवाइड होता है, तो ग्रो करने के लिए, रिप्लेस ऑल डेड एंड इंजर्ड सेल के लिए, और गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए वो क्या करता है, डिवीज़न करता है। तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इन कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सेल्स बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न टू टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, ये दो टाइप का डिवीज़न होता है। ये डिवीज़न में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड मिटोसिस। मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड किस लिए होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं। जो ग्रोथ के लिए डिवाइड होता है उसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। इन दिस प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, माइटोसिस, जो सिर्फ ग्रोथ के लिए होता है, उसमें हर सेल को क्या बोलते हैं, मदर सेल। क्या बोलते, देखो यहाँ पे दिया है माइटोसिस, ये एक सेल है, उसमें से डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं, ये माइटोसिस। एक्चुअली ये सेल जो डिवीज़न दिया है यहाँ पे ड्रॉ करके, ये एक सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सेल जो होता है ना, मेन सेल, उसकी कॉपी होकर दूसरा सेल बनता है। तो ये सेल दूसरा सेल जो बनता है, फिर उसमें से सेल डिवाइड होता है। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम्स, वो भी डिवाइड हो जाते हैं इक्वल, इस साइड जितने होते हैं इतने इस साइड, मतलब दोनों में इक्वल क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ए था, उसका हाफ पार्ट, फिर इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट, ऐसे ये दोनों में हो जाता है। तो ये ग्रोथ इसी तरह, फिर इसकी कॉपी होकर दूसरे बनते, ऐसे ये ग्रोथ के लिए ये डिवाइड जो डिवीज़न होता है उसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस। क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और जो ये पेरेंट सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। जो मेन सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। और जो डिवाइड होकर जो दो नए सेल बने वो डॉटर सेल, उसे क्या बोलते हैं, डॉटर सेल।
डिवीजन टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ये इसमें जो दो नए सेल बनते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं डॉटर सेल, मतलब दोनों सेम टाइप्स के होते हैं। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल, इसके पास मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वल नंबर में, राइट। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स, ये ग्रोथ में हेल्प करता है और टिश्यूज को क्या करता है रिपेयर करता है, कहीं पे भी कुछ डैमेज हुआ हो तो उसमें भी हेल्प करता है, ये ग्रोथ के लिए। माइटोसिस क्या था, माइटोसिस मतलब एक सेल में से दो सेल बनते हैं पर दोनों आइडेंटिकल होते हैं और मदर सेल के जैसे होते हैं, ये माइटोसिस, और ये ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये था माइटोसिस। अब उसके बाद दूसरा, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक स्पेशल सेल्स होते हैं इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैंने अभी बताया था कि स्पर्म एंड ओयम जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से निकल रहे हैं वही लिक्विड होता है, राइट। तो सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, ये डिवाइड्स होकर क्या बनाते हैं गैमेट्स, तो विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब नई जनरेशन, नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, जैसे मम्मी फादर मदर में से डॉटर बनेगा और उनके फादर मदर ऐसे ऑफस्प्रिंग आगे बनते जाते हैं, तो ये रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होकर ऑफस्प्रिंग मतलब नई पीढ़ी की शुरुआत होती है, राइट। तो दे डिवाइड बाय द डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, ये डिवाइड होता है अलग अलग प्रोसेस से, उसे क्या बोलते हैं मियोसिस, विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, इसमें टू कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है देखो कि ये पेरेंट सेल है, राइट, उसकी पहले कॉपी होगी और ऐसे बनेगा, फिर इसका डिवीजन हुआ, इसका डिवीजन हुआ तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों और ये दोनों दो ही ऐसे बनते हैं अलग अलग, फिर इसमें से डिवीजन होता है तो एक हाफ ये और एक हाफ ये, फिर एक हाफ यहाँ एक हाफ यहाँ, ऐसे चार पार्ट्स, चार डिवीजन होंगे अलग अलग डिवीजन, और ये सारे अलग है देखो, यहाँ पहले ये क्रोमोसोम्स है, फिर ये ब्लू, फिर ये ऐसे, फिर इसमें पहले ये है और ये है, और यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, ये तो ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये थोड़े अलग होते हैं मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे दिया है कि दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, इसमें एक डिवीजन हुआ फिर दूसरे डिवीजन भी होते हैं, तो टू कंसेक्यूटिव डिवीजन। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस फोर न्यू सेल्स, जब ये मियोसिस से डिवाइड होता है तो ये क्या करता है फोर न्यू सेल्स, नए चार सेल प्रोड्यूस करता है ऑफ जस्ट टू, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो न्यू सेल्स जो बने उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इससे हाफ होते हैं, जैसे यहाँ पे वैसे चार बताए थे, यहाँ टू टू है, राइट, ये वन टू थ्री फोर है, तो यहाँ टू टू, तो यहाँ पे इक्वल थे, यहाँ पे हाफ हो जाते, तो जो नया सेल बनता है चार बनते हैं तो उसमें क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल, मदर सेल में जितने होते हैं उससे क्या होते हैं हाफ होते हैं, ये इसका मदर सेल ही हो गया, इससे हाफ हो गए, इससे इसमें हाफ हो गए, फिर इसमें से ये हाफ हो गए, राइट। तो मदर सेल्स, कैन यू थिंक एस टू वाई द क्रोमोसोम्स नंबर इज रिप्रोड्यूस टू हाफ ए डॉटर सेल, तो क्रोमोसोम्स हाफ डॉटर सेल क्यों बनाते हैं, डॉटर सेल में हाफ क्यों होते हैं, वो तुम मैंने अभी आगे बता दिया है कि जिसमें गैमेट्स बनता है तो उसमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तो दोनों के हाफ हाफ मिलके पूरा जनरेशन बनता है, अगर दोनों में 46 रहेंगे तो नया जो बनेगा उसके तो 92 हो जाएंगे, तो वो तो पूरा चेंज ही हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स, उसका कैरेक्टर सब भी कुछ चेंज हो जाएगा, ये ह्यूमन बींग रहेगा ही नहीं, मतलब कुछ अलग ही होगा एनिमल, तो इसलिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो बनता है उसमें 23 होते हैं, फिर उनको रिप्रोड्यूस करके जो नया ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस करना है उसमें 23 + 23 46 हो जाएंगे, तो नया ऑफस्प्रिंग सेम एज ए ह्यूमन बींग्स की तरह बनेगा, इसलिए उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने होते हैं हाफ क्रोमोसोम। तो ये था सेल डिवीजन मियोसिस, क्या था मियोसिस, ये जो फर्स्ट वाला हमने देखा वो ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर के लिए होता है, और उसमें आइडेंटिकल सेल बनते हैं, डॉटर सेल जो होते हैं वो मदर सेल को आइडेंटिकल सेल होते हैं, और ये माइटोसिस, और मियोसिस में दो बार कंटिन्यूस डिवीजन होता है
और जो डॉटर सेल होता है उसमें मदर सेल से हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाते हैं, राइट। तो ये था चैप्टर नंबर 5। अभी इसमें एक पोर्शन हमने क्वेश्चन आंसर का बाकी रखा था, वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर देते थे। ये क्वेश्चन आंसर 3 इंटेक्स क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, उसके आंसर में तुम्हें बता देता हूँ। ये बाकी था, बाकी तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर जो हमारी चैनल है उसमें मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है। किसी भी चैप्टर का रिवीजन करना हो तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और वहाँ पे जो लेसन का नाम दिया है उस पर क्लिक करो, तो वही लेसन के सारे वीडियोस मिलेंगे तुम्हें साथ में, ओके। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जीनेटिक मटेरियल। जीनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, जिसका डीएनए खुद का होता है, ऐसे दो ऑर्गेनल्स के नाम तो पता है हमने देखा था क्या, मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। मिटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये दोनों में उनका खुद का ऑन डीएनए होता है, राइट, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इसका आंसर, राइट। फिर सेकंड नंबर, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। जब ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल का फिजिकल या केमिकल रीजन की वजह से तो क्या होता है। तो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड, तो अगर वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो इट विल स्टॉप फंक्शनिंग, वो काम करना बंद कर देगा। जैसे सच सेल्स हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, कुछ सेल डिस्कार्ड हो जाता है तब भी वो फंक्शन करना पड़ेगा। दिस एक्शन विल बी टेकन बाय लाइसिस और डिस्ट्रक्शन कैरिड आउट बाय द लाइसोसोम। तो ये जो होता है तब लाइसोसोम क्या करता है, आगे अपना फंक्शन करता है और पूरे सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो विल बी टेकन, दिस एक्शन विल बी टेकन बाय द डिस्ट्रक्शन कैरिड आउट बाय द लाइसोसोम्स। तो वो सुसाइडल बेग है, वो पूरे सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये भी हमने आगे देखा था, राइट, लाइसोसोम्स में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बेग। ये उसका इसमें यही आ जाएगा, देखो उसे सुसाइडल बेग क्यों बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये लिखना है कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड बैग कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोम कंटेंस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। फिर वेयर एवर द सेल हैज़ टू डिस्कार्डेड, जब भी सेल, अभी हमने देखा था कि सेल डिस्कार्ड हो जाता है मतलब खराब हो जाता है, तो द लाइसोसोम ब्रस्ट ओपन, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, वो फट जाएगा मतलब और ओपन हो जाएगा। तो द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विद इन द लाइसोसोम्स डाइजेस्ट ऑल द मैटर ऑफ द सेल। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम्स में होता है वो सेल के अंदर जितना भी मैटर है वो सबको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये पूरा उसका खुद का डिस्ट्रक्शन कर देता है। इसीलिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब वो खुद को ख़त्म कर देता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, है समझ में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम्स वाला भी, कि लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड बैग्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और जब सेल डिस्कार्ड होता है तो वो ब्रस्ट हो जाता है और ओपन हो जाता है, और उसमें जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल के सारे मैटर्स को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए उसका ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, राइट। वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स, हमने देखा था राइबोसोम्स जो होता है वहाँ पे वो सरफेस बढ़ती है, राइबोसोम्स होता है ना उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज है। विच आर, वो कहाँ होता है वो भी हमें पता है, अटैच टू अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अटैच होता है रिबोसोम्स, इसीलिए उसे रफ बोलते हैं क्योंकि उसकी सरफेस रफ हो जाती है इसकी वजह से। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द राइबोसोम्स विच आर अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर भी कम्प्लीटली लिख देना है और ये सेल डिवीजन वाला पार्ट भी लिख के कम्प्लीट लर्न कर देना है, ओके।